पिछले लगातार 4-5 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जिले में अभी तक खतरे की कोई बात नहीं है, जिला प्रशासन किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नदी के किनारे बसे जिन गाँवों के पास बाढ़ का पानी आ गया है, वहाँ पर नाव की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार डीपीआरओ द्वारा 8 नई नावें खरीदी गई हैं, जिसको संबंधित उप जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। पूर्व में 4-5 दिन पहले जो वर्षा हुई थी, उसके कारण जो नदियां गोरखपुर में आ रही हैं, उनके कैचमेंट एरिया में पानी बरसा था, जो धीरे धीरे गोरखपुर में आ गया है और फैलाव हो गया है। तो जिन जो ऐसी आबादी है जहां पानी आ गया है और वो मुख्य सड़क मार्ग से या सड़क मार्ग तक आने में उनको असुविधा हो रही है, वहां के लिए प्रत्येक तहसील को नाव उपलब्ध करा दी गई है। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर डीपीआरओ साहब ने 8 नई नावें खरीदी हैं और वो उनको आवंटित कर दी गई हैं। जिन जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों के यहाँ ऐसी समस्या है, नाव की पर्याप्त व्यवस्था है और हम लोग इस पर सतर्क दृष्टि रख रहे हैं।